किलो दाल नहीं है, ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा सही दाल नहीं है। ये बताइए 100 रुपए किलो दाल है? नहीं। सबसे हाईएस्ट दाल कितनी है? 175 रुपए किलो। तो जो भाजपा के मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, जो कृषि मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि दाल 100 रुपए किलो मार्केट में है। तो कहाँ दिलाई हमको एक बोरा दाल दिलाई हमको। तो मंत्री जी कहना क्या चाह रहे हैं? मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जो पथरदेवा विधानसभा के विधायक हैं, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दाल 100 रुपये किलो है। अब हम लोग एक दुकान के पास आए हैं और लोगों की और जनता की राय पूछेंगे कि क्या सच में भाजपा की सरकार ने अच्छे दिन की वापसी कर दी है कि लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं, 100 रुपये किलो दाल हो गया है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह 2014 से पहले कांग्रेस वाले बोलते थे कि दिल्ली में 5 रुपये में खाना है और बम्बई में 12 रुपये में खाना खा के भरपेट लोग सो जाते हैं, और उसका ये नतीजा हुआ कि 2014 में भाजपा वापसी कर गई और पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो दुकानदार जी से पूछेंगे कि क्या सच में 100 रुपये किलो दाल मिल रहा है, फिर लोगों की राय भी पूछेंगे। तो आइए हम पूछते हैं भाई भैया से। सर आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन नाम है आपका। भैया क्या कोई दाल है 100 रुपये किलो आपके पास? ना भैया, हमारे पास दाल नहीं है। सबसे हाईएस्ट दाल कितने का है? 170 रुपये। और उससे ऊपर? सब ना ले ओके ना, फिर भी कितने का होगा? 180। 180 का। लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में 200 किलो का भी दाल है। नहीं है, यानी 100 की दाल नहीं है मार्केट में कहीं भी। एक मंत्री जी बोल रहे हैं कि 100 रुपये किलो की दाल बिक रही है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है दाल के बारे में। खाते नहीं है तो क्या जानकारी दें? खाते नहीं है तो जानेंगे नहीं। तो बात सही, व्यापारी जी हैं, इनका कहना है कि 100 रुपये किलो से दाल कोई नहीं है, और रहेगी बात किसे 170 से ऊपर कोई भी दाल है। लेकिन जनता की राय हम आपको सुनाएंगे कि क्या सच में जनता खरीद रही है 100 रुपये की नहीं, और जनता क्या कर रही है मंत्री जी को। कि कुछ जनता की राय बताएंगे कि क्या सच में दाल उत्तर प्रदेश में 100 रुपये की बिक रही है। तो दादा जी अपना नाम बताइए। जयप्रकाश गुप्ता। हाँ गुप्ता जी, ये बताइए 100 रुपये किलो दाल है? नहीं। सबसे हाईएस्ट दाल कितनी है? 175 रुपये किलो। तो जो भाजपा के मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, जो कृषि मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि दाल 100 रुपये किलो मार्केट में है। तो कहाँ दिलाई हमको एक बोरा दाल दिलाई हमको। तो मंत्री जी कहना क्या चाह रहे हैं? मंत्री जी वो कृषि मंत्री हैं, झूठ क्यों बोलना चाह रहे हैं? आखिर महंगाई को छुपाना चाह रहे हैं? महंगाई को वो छिपाओ, हम तो दाल ले नहीं, 175 रुपये किलो की दाल वहीं से ले आए हैं। अब बताइए, वो बोल रहे हैं कि 100 रुपये किलो है दाल। कहाँ दल तक आइए 100 रुपया गजा बस दाल तो चावल अपन दाल गेहूँ तो अपने घरे बोले बड़ा खाए कहीं ना। अब बताइए कि वो बोल रहे हैं कि 100 रुपये किलो दाल है। लोग ये बोल रहे हैं कि जब मंत्री जी दाल खरीदेंगे नहीं तो उनको रेट पता नहीं चलेगा। हाँ मंत्री जी भाई तो होटल में खाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा, क्या पता चलेगा। सही बात तो भाई। बता दीजिए, ये आपकी दुकान है ना? बता दीजिए, बता रहा हूँ कि देखिए इनका दुकान है और सारा सिस्टम पड़ा है इसमें। इनका भी कहना है कि 100 रुपये की दाल मार्केट में नहीं है, और जो सूर्य प्रताप शाही जी कह रहे हैं कि 100 रुपये की मार्केट दाल है, तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर जो है तो मंत्री जी हमको 2-4 बोरा दिला दें। ये खुद कर रहे हैं गुप्ता जी कि 2-4 बोरा मंत्री जी दिला दें तो अच्छा रहेगा, अपने दुकान में रख कर बेचेंगे। हम और लोगों से राय रखते हैं। सर है 100 रुपये किलो दाल? हम ना दाल खाना, सब्जी खाना है। सोचिए दाल ही नहीं खाते? आलू 15 रुपये किलो खाना, प्याज 15 रुपये किलो। मन दाल नहीं खाता ना? अच्छा, कभी सुने 100 रुपये का दाल मिल रहा है मार्केट में? कहाँ दाल लाए थे? 95 रुपये किलो खलीपुर से। कभी लाए थे? देहात का दाल, देहात का दाल। 50 रुपये किलो कहाँ से? 95 रुपये किलो पहले का रख लें। पहले का क्या क्या आलू प्याज रखने में? नहीं नहीं नहीं, दाल कब का 95 रुपये किलो? लाए थे एक बेचारा ले रहा हूँ उसे, ले ली गाँव का। हाँ गाँव का कोई व्यापारी रहा होगा, दे दिया होगा। ना ना देहाती बना, चोरी का दाल। बताइए चोरी का दाल? चोरी का दाल लगे तो 95 रहेगा, नहीं तो ओरिजिनल दाल जो मार्केट में है वो 170 से ऊपर, इसके पहले नहीं है। ठीक है दादा, बताइए भैया दाल है मार्केट में अरहर की दाल 100 रुपये की है? नहीं सर। तो फिर मंत्री जी बोल रहे हैं कि 100 रुपये की दाल मार्केट में आ गई। मंत्री जी को अपने घर में खाते में खरीद के, हम जब खरीद के दुकानदार हमको 170 रुपये किलो दे, 165 रुपये किलो दे, तो भाई अब हम काज बता पाई।
हम जब जोन खरीदा थी पावरा से तो वही कम दाम बताएगा। तो ये बता कि मंत्री हैं भाजपा के, बोल रहे हैं कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, हाँ। तो बोल रहे हैं कि दाल मार्केट में कुछ लोग बोल रहे हैं कि मंत्री जी खरीदते नहीं है, होटल में खाते होंगे इसके लिए उनको दाल का पता नहीं है। आका जन खेसारी का दाल हो सकेगा, वो भी तो रोहर के बराबर है। अच्छा नहीं मिल रहा था साइकिल अपना बेच रहा था। अरे भैया गोले चम्मच गोले वो मतर और मेरा बोल खेसारी का दाल बा, मुंगवा का दाल बा, कुल मेरा मिक्सिंग भैया दाल है अच्छा है नहीं उससे नहीं 100 रुपये भी वही दाल है, बाकी जो अच्छा दाल है वो 100 रुपये का एक भी नहीं है। नहीं नहीं रोहर की दाल जन बा की 65 से लेकर 90 तक ले बा, 90 तक है भाई 65 बता फोन बताली ना बताइए तू पचहत्तर बताइए कोई दाल है मार्केट में 100 रुपये किलो? चाइना का दाल है, चाइना वाला यानी गारंटी नहीं है? नहीं, तो भाजपा के मंत्री जी बोल रहे हैं कि दाल 100 रुपये किलो आ गया है। नहीं तो चाइना वाला दाल है, चाइना का माल मंगा के नहीं ना बेचना चाह रहे हैं? नहीं आपको लग रहा है कि है 100 रुपये का दाल नहीं है? 100 रुपये किलो दाल नहीं है मार्केट में? नहीं है। कितने किलो आप खरीदते हैं दाल? खरीदते हैं हम रोज, हफ्ता में हर बार खरीदता हूँ। तो फिर मंत्री जी झूठ क्यों बोलना चाह रहे हैं, महंगाई को छुपाना चाह रहे हैं क्या? वही ना बोल रहा हूँ चाइना वाला दाल दुकानदार कहते हैं सब कि चाइना की दाल है। चलो ठीक है इनसे पूछते हैं, आप ही मार्केट करती होंगे, 100 रुपये किलो दाल है? सुनने को तो नहीं मिला है 100 रुपया, भाजपा सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि 100 रुपये किलो दाल है। हाँ तो 100 रुपया नहीं गया, 100 रुपया कहाँ बटे? आप खरीदते हैं दाल? दाल खरीदते हैं खाते हैं, कितना किलो दाल खरीदते हैं? 180। मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि 100 रुपये किलो दाल आ गया। मंत्री जी अब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो दिख रहा है वही ना। देखिए एक मिनट, 165, 180 और 90, अरे 90 भी है बाबूजी दाल, बाबूजी दाल 190। कई तरह का दाल है जो हाँ। 100 का नहीं है, 100 का दाल तो कोई नहीं। चन्ने सुनिए, चन्ने का दाल 90 रुपया किलो है, 90 रुपया किलो हमारे यहाँ बेच रहा है। जैसा मार्केट वैसा, हाँ जैसा मार्केट वैसा दाल। लेकिन जो मंत्री जी रोहर कर दाल बोले वो है नहीं, रहर की दाल यहाँ मार्केट में आपको 150 तक मिल जाएंगे सर, लेकिन 100 रुपया नहीं है। 100 रुपया चलो खरीदे लो, हम ना बाजार करना लड़का करना, लड़का को रुपया बताओ तुम, अब हमसे ना बताओ ना सब, ना बताओ ना आंकड़ा ना तो कि 100 रुपया दाल मिलत हो जेवन कुछ मिले लक्ष्मण की दुकान से लड़का उधार बाड़ी ले जाना सा अपन। अच्छा अच्छा इनकी कैसे चला मैंने तो कहना जानकारी दाल के बारे में, यहाँ के लोग हैं और वहाँ भाई साहब एक थे दुकानदार हैं, वो बोले कि मंत्री जी हमारे घर 2-4 बोरा दाल पहुँचा दें कि मैं भी 100 रुपया किलो बेच कर लोगों को भलाई कर सकें, और जो सूर्य प्रताप शाही जी हैं उनके लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी खा रहे होंगे होटल में और कोई मार्केट करता नहीं होगा इसके लिए उनको दाल का रेट पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 100 रुपये की दाल नहीं है मार्केट में, 170, 180, 90, 200 किलो तक की दाल है। और कुछ भाई साहब का ये भी कहना है कि दाल जो गांव में घूम कर बेचते हैं नहीं गलती है, वो भी 100 रुपया किलो तक है, यानी जिसको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो अब ये रहा भाजपा सरकार के जो मंत्री है जी हैं उनको सोचने वाली बात है कि नहीं महंगाई है, और लोगों का मानना भी है कि अपनी महंगाई छुपाने के लिए मंत्री जी बोल रहे हैं कि दाल 100 रुपया किलो है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।